हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश टेक्नोलॉजी से, और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ नोकिया के 5.1 प्लस वर्सेस नोकिया के 6.1 प्लस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोकिया ने अपने नोकिया के 6.1 प्लस और 5.1 प्लस नाम के दो स्मार्टफोन कल इंडिया में लॉन्च कर दिए, जो कि काफी अच्छे सीरीज के स्मार्टफोन लग रहे हैं फाइनली नोकिया की तरफ से। अगर हम दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो नोकिया के 5.1 प्लस के अंदर आपको मिलता है हीलियो का P60 प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और जो रियलमी 1 अंदर भी था, और P60 काफी अच्छा प्रोसेसर है। वही रेंड आपको 6.1 प्लस के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर, जो कि आपको रेडमी के नोट 5 प्रो और आसुस के M1 प्रो में भी मिला था। वैसे होने को तो 5.1 प्लस एक लोअर स्मार्टफोन है 6.1 प्लस से, पर P60 की परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के 636 से काफी अच्छी पाई गई है। जैसा कि आपको बाकी के टेस्ट में पता लगा है, P60 स्नैपड्रैगन 636 से अच्छा परफॉर्म करता है। सो 5.1 प्लस के अंदर भी अच्छा प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के मामले में दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों में बहुत अच्छे प्रोसेसर यूज करे गए हैं। अगर हम बात करते हैं इनके स्टोरेज की, तो आपको नोकिया के 5.1 प्लस में 3 GB प्लस 32 GB का मॉडल देखने को मिलेगा सिर्फ, और 6.1 प्लस में 4 GB और 64 GB का ही मॉडल देखने को मिलेगा। वहां पे कोई 3 GB मॉडल नहीं है, और 5.1 प्लस में कोई 4 GB का मॉडल नहीं है। बैटरी दोनों में ही 3060 mAh की दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है, और स्टॉक एंड्रॉइड दोनों 8.0 पर काम करेंगे, और एंड्रॉइड 9 की अपडेट भी जल्दी आ जाएगी। तो स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है, तो आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन एक 5.9 इंच का नॉच वाला डिस्प्ले आपको देते हैं, पर फर्क इतना है कि आपको नोकिया के 6.1 प्लस के अंदर मिलता है एक फुल HD डिस्प्ले, और वहीं आपको 5.1 प्लस में मिलता है एक 720p का HD डिस्प्ले। जी हाँ, आपको 5.1 प्लस में HD डिस्प्ले मिलेगा, और 6.1 प्लस में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा नोकिया की तरफ से। मेन बात आती है कैमरास की, तो रियर कैमरा 6.1 प्लस के अंदर है 16 MP और 5 MP के, वहीं 5.1 प्लस में है 13 MP और 5 MP के। 16 और 13 का अंतर है, बाकी दोनों 5 MP का जो सेकेंडरी कैमरा है वो दोनों में सेम है। फ्रंट कैमरा 5.1 प्लस में है 8 MP का, वहीं 6.1 प्लस में है वो 16 MP का। तो फ्रंट सेल्फी काफी अच्छी होने वाली 6.1 प्लस के अंदर। सो अगर, और 6.1 प्लस की प्राइस है 16,000 रुपीज, जो कि 30 अगस्त को पहली सेल है फ्लिपकार्ट पे। 5.1 प्लस की प्राइस अब तक रिवील नहीं हुई है, क्योंकि सेप्टेम्बर में वो सेल स्टार्ट होगी और सेप्टेम्बर में प्राइस रिवील करेंगे। पर रिमन प्राइस उसकी है 13,000 रुपए। तो अगर सोल अगर आपका बजट सिर्फ 13,000 रुपए, तो 5.1 प्लस एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 6.1 प्लस से ज्यादा कम भी नहीं है। प्रोसेसर अच्छा है, आपको बैटरी भी सेम मिलेगी, बस थोड़ा सा कैमरा थोड़ा कम मिलेगा, और एक आपको 720p डिस्प्ले मिलेगा, और वहाँ आपको फुल HD मिल जाता है। सो अगर आपको बजट 13,000 तक का है, तो आप 5.1 प्लस ले सकते हैं, और अगर आपको 16,000 का बजट है, तो आप रेडमी नोट 5 प्रो या फिर नोकिया के 6.1 प्लस ले सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ कल या फिर परसों, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को 6.1 प्लस और रेडमी नोट 5 प्रो के वीडियो देखने के लिए। पर नोकिया के 6.1 प्लस और नोकिया का 5.1 प्लस काफी बहुत अच्छे फोन हैं। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 13,000 है, तो आप 5.1 प्लस ले सकते हैं अगले महीने, वरना आप 6.1 प्लस ले सकते हैं 30 अगस्त की सेल के अंदर। सो दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं। सो वीडियो को अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।